राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के दो और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब भीलवाड़ा में 19 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। इस बीच सरकार ने 5 निजी अस्पतालों, 1 कम्युनिटी सेंटर और कुछ निजी होटल को अपने कब्जे में लेने का फैसला लिया है, जिन्हें आइसोलेशन सेंटर में बदला जाएगा। देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के दूसरे दिन मुंबई पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बढ़ा दी। मुंबई की सीमा भी सील कर दी गई ताकि बाहर से आने वालों को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके, जिसके लिए मुंबई की सीमा पर बनी चेक पोस्ट पर पुलिस के जवान और अधिकारी लोगों की जांच करते दिखे। सिर्फ उन्हीं लोगों को मुंबई शहर की ओर जाने की इजाजत दी गई जो जरूरी सामान की सप्लाई या फिर इमरजेंसी की वजह से घरों से निकले। इधर रहने वाला रहेगा मुंबई के अंदर तो उसको एड्रेस प्रूफ देख के, आधार कार्ड का एड्रेस देख के उसके अंदर छोड़ा जाता है। आवश्यक सेवा के लिए आने वाला रहेगा, उसके पास कुछ कार्ड रहेगा, प्रॉपर उसका लेटर रहेगा तो उसको छोड़ा जाएगा। वहीं मुंबई शहर के अंदर भी सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई, क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थीं कि कुछ लोग बेवजह घूमकर लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं। यहां पर खुद मुंबई पुलिस के अधिकारी आई कार्ड चेक कर वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर ये सभी लोग एसेंशियल सेवा में काम करने वाले लोग हैं या फिर ऐसे ही निकले हैं। उन सभी के खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने देश के दूसरे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर लॉकडाउन की स्थिति में बिहार के मजदूरों की रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील की है। सुशील मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की। सुशील मोदी ने दावा किया कि सभी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन से बिहार के प्रभावित मजदूरों को हर मदद देने का भरोसा दिया है। वियतनाम के एक रेस्टोरेंट ने कोरोना बर्गर बनाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए ये रेस्टोरेंट लोगों को थोड़ी खुशी देना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस महामारी की वजह से घरों में बंद है। और वियतनाम का ये रेस्टोरेंट कोरोना बर्गर के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। इस बर्गर में कोरोना वायरस की तरह कांटे नजर आए और इसमें पोषण से भरपूर चीजों का इस्तेमाल किया गया ताकि इसे खाने वाले को खुशी के साथ साथ पोषण भी मिले। यही नहीं, रेस्टोरेंट ने इस बर्गर का दाम भी कम रखा। रेस्टोरेंट के मालिक की इस पहल के पीछे उसका 10 साल का बेटा है, क्योंकि उसने अपने पिता से कोरोना से जुड़ा कुछ मजेदार काम करने को कहा था। शोएब अख्तर ने लोगों को फास्ट फूड से बचने की सलाह दी। शोएब अख्तर ने लोगों को कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए फास्ट फूड के बजाय घर का खाना और जूस पीने की सलाह दी। पूरी दुनिया ने जंक फूड खाया, इम्यून सिस्टम को वीक किया। इम्यून सिस्टम को ठीक करना था, आप अपने घर का खाना बनाते। अगुस्ता मामले में जेल में बंद आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दाखिल की। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फुटपाथ पर रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया। अगर हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को जनहित में अस्थायी रूप से अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते। इंदौर में कोरोना वायरस के खतरे के बीच कांग्रेस नेता शेख हलीम ने अपने घर पर लोगों को खाने पीने का सामान दिया, लेकिन इस दौरान वहां पहुंचे लोगों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। फराह खान ने घर में कसरत करने के वीडियो शेयर करने वाली हस्तियों से ऐसा नहीं करने की अपील की। फराह ने इसके लिए दलील दी कि लोग ऐसे वक्त में जब कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो बड़ी हस्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस हैव बिगर कंसर्न्स ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, तो प्लीज हमारे ऊपर रहम कीजिए और आपके वर्कआउट वीडियोस बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में सेना और सीआरपीएफ के जवान कोरोना के मुद्दे पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस बीच लोगों से साफ सफाई का खास ध्यान रखने की अपील भी की जा रही है। गांव में सेना और सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ लाउड स्पीकर से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं, बल्कि सैनिटाइजर और मास्क भी बांट रहे हैं। लद्दाख में सेना के जवान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच यूपी के हरदोई में मोबाइल पर निकाह हुआ। 25 मार्च को शादी की तारीख तय थी, लेकिन पाबंदियों के बीच दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद परिवार के लोग मास्क लगाए दूल्हे को घर से बाहर लेकर आए और 4 लोगों की मौजूदगी में फोन पर ही निकाह करा दिया गया। इस दौरान काजी ने फोन पर पहले तो लड़की से इजाजत मांगी, फिर दूल्हे से उसकी रजामंदी ली गई।
लड़के से पूछ लीजिए, लड़के से पूछ लीजिए। हमारी तरफ से निकाह के बाद दूल्हे ने वहां मौजूद लोगों को खड़े होकर सलाम किया। दूल्हे वालों ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए निकाह का ये तरीका अपनाया गया। हुकुम की पाबंदी की वजह से ऐसा कोई अमल नहीं किया कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करें, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरत की चीजों की किल्लत ना हो, इसलिए गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से 23 बड़े स्टोर्स को शामिल किया गया है, जिसमें मदर डेयरी और बिग बाजार के साथ साथ रिलायंस फ्रेंड्स जैसे बड़े ब्रांड भी शामिल हैं। और गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से इन 23 बड़े स्टोर की लिस्ट और फोन नंबर जारी किए गए हैं, जिसके जरिए लोग अपने घर पर ही सामान मंगवा सकते हैं। हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी की एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत जो हमारे 23 बड़े ग्रुप्स हैं, ये अपने करीब 60 या 70 आउटलेट्स के माध्यम से मोबाइल नंबर पर सूचना देने के बाद इन सामग्रियों को घर तक पहुंचाएंगे। यूरोप के देश आइसलैंड में बीमारी से बचने के लिए लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो कोरोना समेत कई तरह की खतरनाक बीमारियों से दूर रह सकेंगे, जिसके लिए वो एक जमी हुई झील के पानी में डुबकी लगाते दिखे। एक लड़का जमी हुई झील में बने एक गड्ढे में उतरकर नहाता दिखा। कई महिलाएं भी बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबी नजर आईं। इसके लिए पहले उस झील की जमी हुई सतह को तोड़कर उसमें गड्ढा बनाया गया, जिसके बाद लोगों को एक एक कर उसमें उतारा गया। डुबकी लगाने के अलावा लोगों ने वहां कसरत भी की, कई लोग योग करते हुए भी नजर आए। लोगों ने दावा किया कि बर्फीले पानी में नहाने से उनको काफी अच्छा महसूस हुआ। पीवी सिंधु ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को 5-5 लाख रुपए की मदद दी। पीवी सिंधु ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। जम्मू में पुलिस की गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया, जबकि दुकानों के आसपास भी फॉगिंग की गई। गुजरात के साबरकांठा में एक आदमी की मौत के बाद हुई श्रद्धांजलि सभा में परिवार के सिर्फ 5 सदस्य ही मौजूद रहे, जबकि मरने वाले आदमी के बेटे समेत करीब 150 लोगों ने अलग अलग जगहों से ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी सांसद चंद्रसेन जादौन का भीड़ के बीच मास्क बांटने का एक वीडियो वायरल हो गया, वो भी तब जब कुछ दिन पहले ही सांसद और उनके परिवार ने अपनी कोरोना वायरस की जांच करवाई थी। हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना के डॉक्टर ने लोगों को कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी दी और बचाव के तरीके बताए, साथ ही लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। आवश्यक ना हो तो हम घर से ना निकलें, अपने आप घर पे रहें। सरकार ने नागपुर में 3 डॉक्टरों समेत 59 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की खबर को फर्जी बताया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक टीम बनाई। कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र ने जरूरतमंदों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीबों और मजदूरों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा कोरोना वायरस से जंग में लगे सभी डॉक्टरों और नर्सों के लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान किया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल फ्री मिलेगी। यही नहीं, मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 82 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए की गई। इसके अलावा गरीब बुजुर्गों को 1,000 रुपए की मदद की जाएगी, जबकि गरीब महिलाओं को अगले 3 महीने तक जनधन अकाउंट में 500 रुपए और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। Imposed. And therefore now we have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में खास तरह के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। रूस में कोरोना वायरस के अब तक करीब 850 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वहां क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी और कड़ी कर दी गई। इसके लिए वहां सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये कैमरे एक खास सर्वर से जुड़े हैं,
जिसमें क्वारंटीन किए गए लोगों की जानकारियां दर्ज हैं। ऐसे में अगर कोई नियम तोड़कर बाहर घूमने निकलता है तो ये कैमरे उसे पहचान कर अलर्ट भेज देते हैं। हालांकि कुछ संगठनों ने निगरानी के इस तरीके पर एतराज भी जताया। रूस में कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए नियम काफी सख्त हैं और बाहर निकलने पर उन्हें कड़ी सजा भी हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में हरियाणा के करनाल में सन्नाटा पसरा है। वहां सड़कें खाली हैं और दुकानें बंद। इन हालात में आवारा कुत्तों के लिए खाने पीने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में कुत्तों की मदद के लिए वहां दो महिलाएं आगे आई हैं। ये महिलाएं शहर के कुत्तों को खाना खिला रही हैं। इनको कहीं से खाना अवेलेबल नहीं होगा 21 डेज, तो 21 डेज इज़ अ लॉन्ग पीरियड। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से, प्लीज़ अपने घर के बाहर बेशक कोई बाउल छोटा सा लगाकर दो फुलके या दो रोटी आप डेली इनको डाल सकते हैं रूटीन में। अमेरिका के जॉर्जिया में सड़क पर स्टंट कर रहे दो मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे से टकरा गए। दोनों लड़के अपनी मोटरसाइकिलों को एक पहिए पर चला रहे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों की मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। इससे पहले वहां मोटरसाइकिल सवार कुछ लड़के सड़क पर रेस लगाते नजर आए। इस दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल को एक पहिए पर चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने मोटरसाइकिल पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्टंट कर रही एक दूसरी मोटरसाइकिल से भिड़ गया। टक्कर के बाद दोनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हालांकि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आईं और वो फिर खड़े हो गए, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जैम लग गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार में विदेश और दूसरे राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में बिहार में विदेश से 3,353 लोग बिहार लौटे हैं, जिसमें से अकेले 653 लोग पूर्वी चंपारण से हैं। इसके अलावा छपरा से 478, मुजफ्फरपुर के 255 और सिवान के 257 लोग हैं। इसके अलावा ट्रेन से पिछले कुछ दिनों में बिहार में 58,000 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार लौटे हैं। आईसीसी ने 30 जून तक अपने कई टूर्नामेंट टाल दिए। कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 30 जून तक अपने कई टूर्नामेंट टाल दिए। लॉकडाउन के बीच हार्दिक पंड्या की मंगेतर नताशा ने हार्दिक के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए सभी से घर पर रहने की अपील की। पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने वहां कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 24 लाख रुपए दिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के खतरे पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी लोग कुर्सी पर दूर दूर बैठे नजर आए। इसके अलावा उद्धव सरकार ने दवा और आटे समेत सभी जरूरी चीजों की दुकानें 24 घंटे खुली रखने की इजाजत दे दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें उसने राज्य के सारे निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को अपनी निगरानी में लेने की बात कही थी। निजी अस्पतालों के विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। ऋषि कपूर समेत कई हस्तियों ने अभिनेत्री निम्मी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की थी। अभिनेत्री निम्मी का 88 साल की उम्र में एक दिन पहले लंबी बीमारी से मुंबई में निधन हो गया था। कोरोना वायरस की जांच के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन पर आधारित टेस्ट किट बनाने का दावा किया, जिसे अगले 2 हफ्ते में वहां के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुहैया करवा दिया जाएगा। इससे कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी आएगी, क्योंकि ब्रिटेन में बनी इस टेस्ट किट से जांच के नतीजे सिर्फ 50 मिनट में सामने आ जाएंगे, जबकि अभी जिन टेस्ट किट का इस्तेमाल हो रहा है उनसे रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है। बताया गया कि इस टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे उनमें कोरोना वायरस का पूरा डेटा पहले से होगा और स्मार्टफोन के साथ टेस्ट किट को जोड़कर उसमें संदिग्ध मरीजों के बलगम का सैंपल डालने के कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि उसमें संक्रमण है या नहीं। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद यूपी के कई शहरों में जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। शामली में लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हर रोज सुबह 3 घंटे दुकानें खुली रखने का फैसला लिया है, लेकिन सुबह होते ही जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों में होड़ लग गई। सब्जी, दूध और दूसरी चीजें खरीदने के लिए लोग बाजार पहुंचे। सड़कों पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा भीड़ है जी, बहुत ज्यादा, जबकि जब 50 से भी अलाउ ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात मैनपुरी में भी दिखाई दिए, जहां दवा खरीदने के लिए एक दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों से बार बार एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की अपील की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। एक मीटर की दूरी भी खड़े थे, लेकिन कुछ लोग बीच में आ रहे हैं।
देश भर में लॉकडाउन लागू होने की वजह से सभी स्कूल बेशक बंद है, लेकिन असम की गुवाहाटी में कुछ बच्चों ने वर्चुअल क्लास ली। बच्चे वीडियो कॉल के जरिए अपनी टीचर से जुड़े, जहां उन्होंने मैथ्स के कुछ सवाल हल किए। वर्चुअल क्लास के समय टीचर ने बच्चों को कसरत भी करवाई। बच्चों को भी वर्चुअल क्लास पसंद आई, क्योंकि इस बहाने उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। अभिनेत्री आहाना कुमरा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री आहाना कुमरा ने इन दिनों लोगों से अपने घरों पर ही रहने की अपील की। मैं और न्यूज 18 आपसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज आप लोग अपने घर पे रहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और देश में लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज करने के लिए तुरंत खास ड्रेस और मास्क देने की मांग की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मास्क बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और राजधानी में मास्क की कमी को पूरा करने को कहा। मास्क का शॉर्टेज किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है मास्क बनाने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग कर रही है। चंडीगढ़ में एसएसपी ने सेक्टर 25 की एक कॉलोनी में गरीब परिवार के बच्चों को पिज्जा बांटे और सभी से सफाई का ध्यान रखने की अपील की। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों की जिंदगी में जो है थोड़ा सा कुछ रंग भर दिया जाए। बिहार सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने पटेल नगर में एक दुकानदार की रेहड़ी पलटने के आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। आरोपी पुलिसकर्मी आनंद पर्वत इलाके में तैनात था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों पर असर दिखाई दिया। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन खाने पीने और जरूरत के सामान की दुकानें खुली हैं। इस बीच शहर की एक दवा दुकान के बाहर पहुंचे लोग एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर खड़े नजर आए। कई लोग नाक और मुंह को मास्क की मदद से ढके दिखाई दिए, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, और हल्द्वानी में इसका नायाब नमूना देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मैं दिखाऊं, नीचे आप दिखाइए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। मेडिकल शॉप्स के ठीक बाहर, केमिस्ट शॉप्स के ठीक बाहर इस तरीके से घेरे बना दिए गए हैं चूने के द्वारा, और लगभग एक एक मिनट मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा कर दिया गया है, ताकि लोग एक दूसरे के टच में ना आए और जो संक्रमण का खतरा है कोरोना वायरस का वो ना हो कम से कम। तो इस तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। भाई साहब, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है? अच्छी बात है। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है, इस तरीके से करना चाहिए। अगर जितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उसी को हम कोरोना से विजय पाएंगे उसमें। ये आम लोगों की सोच है और ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है, क्योंकि लोगों को हड़बड़ी नहीं है दवा लेने के लिए, क्योंकि दवा ऐसी चीज़ है, बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, और इसके लिए अक्सर लोगों को हड़बड़ी होती है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोग बिल्कुल शांत होकर के खड़े हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, और ये एक तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। नवरात्र के मौके पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कुछ लोग बाहर से ही पूजा कर लौट गए। देश भर में लॉकडाउन की वजह से मंदिर, बाजार सब कुछ बंद है। इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु दर्शन करने मुंबा देवी मंदिर पहुंच गए, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद लोगों ने मंदिर के गेट पर लगी एक स्क्रीन पर आरती देखी और वहीं से माता के दर्शन कर घर लौट गए। सुबह का टाइम थोड़ा सा समय हम लोग आ जाते हैं आरती के समय, बाकी हम लोग भी 24 घंटे बाहर नहीं निकलते हैं। इससे पहले मंदिर पहुंचे ज्यादातर भक्त मास्क पहने नजर आए और एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े दिखे, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। अगर ये दूरी बना के रखेंगे तो ये रोग की मुक्ति हो जाएगी, इसका समाधान भी हो सकता है। मंदिर प्रशासन ने भी मंदिर के गेट पर लगाए गए एक पोस्टर के जरिए लोगों से घरों में रहकर ही पूजा करने की अपील की। राजस्थान के झालावाड़ में खाने पीने का सामान लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। एक संस्था की तरफ से जरूरतमंद लोगों में खाने पीने का सामान बांटा गया, जिसे लेने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनमें काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल रहीं। ये महिलाएं कतार में खड़ी नजर आईं, लेकिन इस बीच उनमें एक दूसरे के बीच जरूरी फासला नहीं दिखा। कुछ ही देर में वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर लोगों में सामान बांटा गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का असर अखबारों की बिक्री पर भी दिखा। बताया गया कि कोलकाता और जम्मू जैसे शहरों में तो करीब 75% लोगों ने अखबार लेने से मना कर दिया है।
जिसकी वजह से कोलकाता में घर घर अखबार पहुंचाने वाले अखबार वालों ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह जिन गाड़ियों के पहुंचते ही अखबार खरीदने वालों की भीड़ जुट जाती थी, वहां लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। हम लोग जो बिल्डिंग में देने जा रहे तो बिल्डिंग वाला क्या बोले, हम लोग को नहीं चाहिए कागज। कोई कोई बिल्डिंग में पगलिए 5 तला बिल्डिंग है, 5 तला में हमको 20 कागज लगता था, अभी हमको लग रहा है 1। कमोबेश यही हालत जम्मू में भी दिखी। वहां लॉकडाउन के बीच डिस्ट्रीब्यूटर के पास अखबार तो पहुंचे, लेकिन बांटने वालों की कमी की वजह से अखबारों के ढेर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। बताया गया कि कोरोना के डर से लोगों ने अखबार खरीदना काफी कम कर दिया है। लोगों को यही है कि कोरोना वायरस है और इन्फेक्टेड हो जाएंगे लोग इसको पढ़ने से भी, वायरस आ जाएगा पेपर में भी। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेनों के डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना वायरस के मरीजों को इनमें रखकर उनका इलाज हो सके। यही वजह है कि ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम भी तेजी से चल रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद सभी यात्री ट्रेनों को एक दिन पहले ही 14 अप्रैल तक रद्द किया जा चुका था, जबकि जरूरी सामान की सप्लाई को जारी रखने के लिए मालगाड़ियों की सेवा को बहाल रखा गया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने पैदल चल रहे मजदूरों की मदद। गुजरात के गांधीनगर में डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने राजस्थान जा रहे पैदल यात्रियों को देख अपना काफिला रुकवाया और अधिकारियों को सभी मजदूरों की मदद का निर्देश दिया। दिल्ली के रघुवीर नगर में पुलिस वालों ने झुग्गी बस्तियों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों को सैनिटाइजर और खाने की चीजें बांटी। सेना ने अपने अस्पतालों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए, साथ ही संदिग्ध मरीजों के लिए हर जगह केंद्र बनाने को कहा। इसके अलावा सेना ने अपने सभी केंद्रों पर जवानों और अधिकारियों के लिए भी अलग वार्ड बनाने की बात कही। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने वहां मेडिकल से जुड़ी जरूरी चीजें खरीदने के लिए प्रशासन को अपनी सांसद निधि से फंड जारी कर दिया। पुणे में कोरोना वायरस के 5 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दुबई से लौटे ये सभी लोग महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले सबसे पहले मरीज थे। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा और अदालत में ये मामला होने के बावजूद पुलिस पर उन्हें जबरन धरने से हटाने का आरोप लगाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोग लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की अपील की अनदेखी करते दिखाई दी, क्योंकि शहर के एक मछली बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े दिखे। भीड़ की वजह से वहां आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही थी। इस बीच वहां मौजूद कई लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। देश में मास्क की कालाबाजारी के बीच गुजरात के सुरेंद्र नगर में लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे गए। जानकारों के मुताबिक वहां कुछ लोगों ने मिलकर 5,000 से भी ज्यादा मास्क बनाए और गली मोहल्लों में जाकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त में मास्क बांटे, ताकि कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को कम किया जा सके। बताया गया कि एक दर्जी ने 24 घंटे सिलाई करके ये मास्क बनाए और इस काम में कुछ लोगों ने उसकी मदद की। कोरोना वायरस फैलने के बाद से देश भर में मास्क मिलने में दिक्कत हो रही है। कई जगह मास्क या तो मिल नहीं रहे या अगर मिल रहे हैं तो उनकी कीमत ज्यादा है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए गुजरात के सुरेंद्र नगर में आगे आकर उन्हें मुफ्त में मास्क बांटे गए। देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में गुजरात के सूरत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए। ये आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मजदूर हैं, जो 2 दिन में करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में अपने घर पहुंचे। इसी तरह से कई और मजदूर भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही चलकर अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। मुक्केबाज पूजा रानी ने लूडो खेलने का एक वीडियो शेयर किया। मुक्केबाज पूजा रानी ने लॉकडाउन में घर पर लूडो खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैं ये चाहूंगी कि इस महामारी से लड़ने के लिए प्लीज अपने घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एसएसपी ने सब्जी और फलों के ठेले लगाने वालों को भगाने के बजाय दूर दूर करने को कहा, साथ ही अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घरों पर काम के लिए जाने वालों को परेशान नहीं करने को कहा। छोटे छोटे ठेले में एरिया में भ्रमणशील रहते हैं, उनको कदापि ना भगाया जाए। कहीं पर उनका जमावड़ा हो तो ये इतना ये रहे कि 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर रहे।
दिल्ली में इंडिया गेट के पास ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से खाना बांटा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो इनिशिएटिव है, अपील है जनता से सबसे, तो ये तो हमारी सर्विसेज में लगे रहे, तो इनको भी तो भूख लगती होगी, खाना खाना होता होगा। असम के गुवाहाटी में कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन किए गए लोगों को स्टेडियम में रखने का इंतजाम किया गया। बिहार के मुंगेर में दो और लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद प्रशासन इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान में जुट गया। मुंगेर में इस बीमारी की वजह से पहले ही एक आदमी की मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हुई उसके टच में आए दो लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु समेत कई शहरों में 30 से ज्यादा क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। इन क्लिनिकों में लोगों का बुखार मापा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे इलाज के लिए भेजा जाएगा। We are laying emphasis on creating 31 fever clinics. दिल्ली के मौजपुर से कोरोना वायरस का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक मरीज के कारण 8 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए और 900 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। मामला एक 38 साल की महिला का है जो अपने बेटे के साथ दुबई से 10 मार्च को दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए उनका भतीजा पहुंचा, जिसे अब क्वारंटीन किया गया है। 12 मार्च को महिला को खांसी और बुखार हुआ, जिसका इलाज करवाने वो दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में पहुंची। 15 मार्च को महिला को प्राइवेट कैब से GTB अस्पताल ले जाया गया, जिसके ड्राइवर को भी क्वारंटीन करना पड़ा है। GTB अस्पताल से उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया। 17 मार्च को आई रिपोर्ट से पता चला कि महिला कोरोना वायरस की पीड़ित है। महिला की मां, दो बेटियां और एक भाई भी कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। मोहल्ला क्लिनिक में जिस डॉक्टर ने महिला को चेक किया था, वो खुद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना वायरस की शिकार हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस अकेले मामले की वजह से 900 लोग क्वारंटीन करने पड़े हैं। अब महिला पर अपनी विदेश यात्रा से जुड़ी जानकारियां शुरुआत में छिपाने का आरोप लग रहा है। पेरू में 11 दिन से लागू लॉकडाउन के दौरान खाली पड़े एक बीच पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों ने कब्जा जमा लिया। पेरू सरकार ने वहां 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिस वजह से राजधानी लीमा का ये बीच हजारों पक्षियों का बसेरा बन गया। आम दिनों में इस बीच पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिस वजह से ऐसे नजारे देखने को नहीं मिल पाते। समुद्र की लहरों के साथ बाहर आने वाली चीजों से कोई पक्षी पेट भरता दिखाई दिया तो कुछ समुद्र में खड़ी नावों पर बैठे नजर आए, जबकि कुछ पक्षी समुद्र किनारे पड़े पत्थरों पर बैठे दिखे। कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के सामने भूख का संकट पैदा हुआ, तो मुंबई में कांग्रेस के विधायक जीशान बाबा सिद्दीकी ने उन तक राशन पहुंचाने का जिम्मा उठाया और बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों के लिए जरूरत के सामान का पैकेट बनाकर लोगों के घर तक पहुंचाने में जुट गए। उन्होंने दिहाड़ी पर काम कर रहे और अब घरों में बैठे ऐसे 5000 परिवारों के लिए खाना मुहैया करवाने की पहल शुरू की है और इसमें बाकी विधायकों से भी मदद की अपील की है। हमारा ये लक्ष्य है कि पहले हम 5000 जरूरतमंद घर तक पहुंचे और जो डेली वेजेस वर्कर्स है जो काम पे नहीं जा रहे हैं, तो हमने पैकेट्स बनाए हैं। अगर आप देख सकते हैं कि इधर हमने पैकेट्स बनाए हैं, उसमें हम 4 किलो चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तेल कुकिंग ऑयल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, हम नमक दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं और चाय पत्ती दे रहे हैं। तो हम इन परिवारों को ये सब देंगे एक एक थैली बनाकर, जैसे वो अपना गुजारा कर सके और कोई भूखा पेट ना सोए। दिल्ली में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पुलिस की ओर से पास जारी किए जा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान खाने पीने और किराने की दुकानें खुली रहें और आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पास मुहैया कराया जा रहा है, जिसके मिलने के बाद खाने पीने और दूसरे जरूरी सामान की दुकानें लॉकडाउन के दौरान लोग खुली रख सकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के हॉसकास्ट DCP ऑफिस, दिल्ली पुलिस के DCP ऑफिस के बाहर, जिनकी दुकानें हैं इमरजेंसी सर्विसेज की और वो पास लेने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। आज अपना ये एप्लीकेशन जमा करेंगे DCP ऑफिस और कल इन्हें बुलाकर यहां पर पास दे दिया जाएगा। पास लेने के लिए DCP ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों के खड़े होने के लिए वहां गोल घेरा बना दिया गया। डीसीपी ऑफिस के गेट के एक तरफ से कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किए जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से पुलिस के जवान बने हुए पास लोगों को बांटते दिखे। यहां पर जो है तस्वीर हो रही है उस शख्स की और उसका नाम एड्रेस बकायदे पूरी और यहां पर दिल्ली पुलिस का स्टैंप भी है, तो इस तरीके से पास बनाकर यहां पर दिया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले हाथों में दस्ताने और मास्क लगाए दिखाई दिए। इसके अलावा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस वाले दूर दूर बैठकर काम करते नजर आए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया ने जरूरी सेवाओं में जुटे लोगों और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की पहल की है। ये सांसदों का क्लब है जिसके जरिए सांसदों ने अपनी ओर से उन लोगों को मुफ्त भोजन पहुंचाने का फैसला किया जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और जरूरी सेवाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं। इनमें पुलिस वाले, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी और दूसरी जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारी शामिल हैं, जिनको भोजन उपलब्ध करवाने में सांसदों ने किसी बाहरी आदमी या संस्था की मदद लेने से भी मना कर दिया है। बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की रसोई में रोज 2000 पैकेट तैयार करने का इंतजाम किया गया है, जिसे लिटियंस जोन के इलाके में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही भोजन के पैकेट उस इलाके में जरूरतमंदों और गरीबों को भी बांटे जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी सांसद या दूसरे वीआईपी को जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से अंडा, ब्रेड, मक्खन और सब्जियों की सप्लाई भी की जाएगी, जिसके लिए क्लब में ही 24 घंटे चलने वाली सेवा शुरू की जा रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लोगों से आपस में दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यूपी में फिरोजाबाद के सांसद भीड़ के बीच मास्क बांटते दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन पर लॉकडाउन के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। वीडियो में दिखाई दिया कि जैसे ही उनका काफिला फिरोजाबाद के एक अस्पताल के बाहर पहुंचा, मास्क के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं ने हालात को संभाला और कुछ दूरी बनाकर खड़े हुए लोगों को सांसद ने मास्क बांटे। इसके बाद सांसद चंद्रसेन जादौन खुद अस्पताल के अंदर गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना वायरस की जाँच कराई है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मैं हूं किशोर अजवानी और अब सुबह 8 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अब अमेरिका बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में अब तक 81,321 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरे नंबर पर इटली है, जहां पर 80,539 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से अब तक 385 लोगों की जान जा चुकी है। 100 लोगों की मौत तो गुरुवार को ही हुई। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही इस समय 37,258 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पूरे देश में लॉकडाउन का असर मुंबई में भी दिखा, जहां सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गईं। लॉकडाउन की वजह से जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और यही वजह रही कि मुंबई के दूसरे बाजारों की तरह ही माटुंगा की एक सब्जी मंडी में भी कम ही लोग दिखाई दिए। और जो लोग मंडी में पहुंचे भी वो सब्जियों की कीमतें सुनकर हैरान रह गए। ये लोगों ने इतना भाव बढ़ा के रखा है, उसके वजह से लोगों को पूरा दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी कम है, थोड़ा कम आ रहा है, माल थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं ऑर्डर लिख के ले रहा हूं, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा हूं, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। G20 की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए सबको साथ आने के लिए कहा है। महामारी के खतरे की वजह से इस बार ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि कोरोना त्रासदी से G20 देशों को साझा लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कोरोना से सामाजिक और आर्थिक संकट खड़े होंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में किसी भी देश को अपने निजी हित के बारे में नहीं, बल्कि मानव जाति के बारे में सोचना चाहिए।
साथ ही पीएम ने 2008 के आर्थिक संकट के समय G20 देशों की भूमिका के बारे में बात की और उम्मीद जताई कि इस बार भी ये सभी देश उसी तरह से आर्थिक समस्याओं का हल निकालेंगे। इस बार सऊदी अरब G20 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इसका नाम G20 वर्चुअल समिट रखा गया है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ऐसे लोगों को की भी कमी नहीं जो इस खतरे के बीच दूसरे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इनमें दूध और गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी जैसे वो लोग भी हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा आम दिनों में लोगों को नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से ऐसे लोग घरों में जरूरत का सामान पूरी सावधानी के साथ पहुंचा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं दिल्ली के भूपेंद्र सिंह, जो दूध के पैकेट तक को सैनिटाइज करना नहीं भूलते। इस तरीके से दूध देने से पहले भूपेंद्र जो है पूरे इस तरीके से दूध का जो पैकेट है उस पैकेट को इस तरीके से सैनिटाइज करते हैं। उनसे कहता हूं कि आप भी इसको धो लीजिए अच्छे से वॉशिंग से। वहीं सड़कों और गलियों में गंदगी न रहे इस जिम्मेदारी का एहसास तमाम सफाई कर्मचारियों को भी है, जिनमें कईयों ने तो कोरोना वायरस की दहशत फैलने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जब कोरोना की चल रहा है इतना सब, आप तब भी ड्यूटी कर रहे हैं? हम ना छुट्टी ना करे बिल्कुल भी। अरे नहीं कहते ये घर में बैठ जाओ मत जाओ? नहीं, बहू तो कहती है। मैंने कहा लगे मैंने बैठ जाएंगे घर में तो मैं क्या खाएंगे। दिल्ली और NCR की हाउसिंग सोसाइटियों के सिक्योरिटी गार्ड भी लॉकडाउन के बाद अपनी परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर वालों को जिनको इमरजेंसी है, दवाई लेनी है, बहुत जरूरी है, वही बाहर जा रहे हैं। ट्रैवल का किस तरह से करते हैं? यहीं रुकते हैं क्या? यहीं रुकते हैं सर, घर नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर तक ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुबह से शाम तक इसलिए अपने घरों से बाहर हैं ताकि दूसरे लोग घर के अंदर सुरक्षित रह सकें। सर अगर नहीं बांटेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। पुणे में लॉकडाउन के समय लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के लिए नंदा ताई नाम की एक महिला मददगार बनकर सामने आई है। पुणे में नितिन कंपनी के पास करीब 30-40 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात हैं और पिछले 3 दिन से नंदा ताई रोज नाश्ता और पोहा बनाकर अपनी छोटी बेटी के साथ इन पुलिस वालों को देती है। पुलिस वाले भी नंदा ताई की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब पुलिस वालों को हर रोज सुबह नाश्ते के लिए नंदा ताई का बेसब्री से इंतजार रहता है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच पैसे निकालने के लिए एक बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया था कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बैंक से पैसे निकलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पीएम की अपील का भी कोई असर नहीं दिखा और राजधानी के शादीपुर डिपो इलाके में एक बैंक के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी और वहां लोगों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लाइन में लोग बेहद पास खड़े नजर आए और उनमें बैंक के अंदर जाने की होड़ मची रही। आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, तो सामाजिक दूरी आप लोग खुद से भी मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कर रहे हैं पर कोई करने को राजी नहीं है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों से दूरी बनाकर खड़े होने की अपील की। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कोरोना एक बहुत बुरी बीमारी है, इसे बचने के लिए 1 मीटर की दूरी रखना। देश में गुरुवार को एक ही दिन में 88 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 694 हो गई है। इसमें 47 विदेशी नागरिक शामिल हैं जबकि 45 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से पीड़ित 633 लोगों को अब भी इलाज उनका चल रहा है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी दिहाड़ी मजदूरों की हालत ठीक नहीं है। खाने पीने और पैसों की किल्लत होने की वजह से लॉकडाउन के दूसरे दिन वहां भी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला और तेज हो गया और बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ घर लौटते दिखाई दिए। बीच रास्ते में इन मजदूरों ने वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियों को इशारे से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब कोई नहीं रुका तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। दूरी की परवाह किए बिना ये लोग सिर, कंधे और पीठ पर बैग लादे चलते रहे। भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लगा क्यों भागता है। इस दौरान कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार जो कह रही थी सुविधाएं दे रहे खाने का, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, हमें तो कुछ नहीं मिला। कमोबेश ऐसे ही हालात दिल्ली के पास नोएडा में भी दिखाई दिए, जहां सड़क किनारे फुटपाथ पर इन मजदूरों ने घर वापसी के लिए काफी देर तक गाड़ी का इंतजार किया, लेकिन जब कोई जरिया नहीं मिला तो लोग सामान लिए पैदल ही घर जाने लगे। इस दौरान इन लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी। पैदल ही पैदल जा रहे हैं, अभी होली पे आए हैं, पैरों में भी छाले पड़ गए हैं चलते चलते। हालांकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर लौट रहे इन मजदूरों में ज्यादातर मुंह को कपड़े और मास्क से ढके मिले।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पैदल आ रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों और दूसरे गरीब लोगों के लिए मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि यूपी में फंसे बिहार और उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित उनके घर भेजा जाएगा। इन लोगों को खाने और पानी की व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी देने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर है, जिसकी वजह से उन्हें दिन रात ड्यूटी करनी पड़ रही है। जिसे देखते हुए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, ताकि संकट की इस घड़ी में पुलिस वालों को ड्यूटी करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हमारे साथ सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जो 2400 घंटे रास्तों पर निगरानी रखने वाले, गाड़ियों पर निगरानी रखने वाले लोगों के लिए फूड पैकेट्स दे रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग रात में भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाने के पैकेट देते नजर आए। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी ट्रस्ट की तरफ से खाने के पैकेट बांटे गए। सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से शुरू की गई इस पहल की पुलिस वालों ने जमकर तारीफ की। पूरा 12 घंटा ड्यूटी है, इसलिए खाना, ये बहुत बड़ी मदद हुई है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने जो ये मदद दी है वो बहुत बड़ी मदद है। लॉकडाउन की वजह से समाज के निचले तबके पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस आगे आई, जो गरीबों के घर में खाने पीने का सामान लेकर पहुंची। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस वालों की एक टीम सड़क के किनारे बनी झोपड़ियों में रहने वालों के पास पहुंची। इस टीम के पास आटा, चावल समेत खाने पीने का सामान था। दिल्ली पुलिस की इस टीम ने झोपड़ी में रहने वालों में सामान बांटा। इस मुहिम में खुद इलाके के ACP और SHO शामिल हुए। इटली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इटली में कोरोना के 6153 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 5,00,000 पहुंच गई है। अकेले इटली में इस समय 80,539 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। इटली में पिछले 24 घंटों में 662 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,165 हो गई है। अब विश्व में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मरने वाले इटली से हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने में लगे पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद के लिए रेड क्रॉस के कार्यकर्ता सामने आए। उन्होंने भुवनेश्वर की सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों की सुध ली और सड़कों पर तैनात जवानों के चेहरे पर बंधे रुमाल को खोलकर उसकी जगह मास्क पहनाया। रेड क्रॉस के ये कार्यकर्ता सुबह ही भुवनेश्वर की सड़कों पर निकल पड़े। जहां जहां उन्हें सड़कों पर जवान तैनात दिखे, वहां उन्होंने उनका हालचाल पूछा और पानी की बोतल, मास्क और फल बांटे। लॉकडाउन की वजह से भुवनेश्वर में भी सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां निकली। अभी हम खड़े हैं भुवनेश्वर रसूलगढ़ की फ्लाईओवर के ऊपर और मेरे पीछे एक खाली सड़क बयां कर रहा है यहां का स्थिति कितना गंभीर है। विदेशों से लौटे करीब 3,000 लोगों की वजह से ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ाई है, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन के बावजूद पुणे में सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ सब्जियां खरीदते हुए दिखाई दी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 1,000 से 1,500 लोग इस सब्जी मंडी में खरीदारी करते हुए दिखाई दी। सरकार की तरफ से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन यहां पर लोग सरकार की इस अपील को ठेंगा दिखाते नजर आए। चीन में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से घरों तक सामान पहुंचाने वाले रोबोट की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहां लॉकडाउन के वक्त ये रोबोट लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुए थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी मांग में कमी नहीं आई। वहां ऐसे कई रोबोट लोगों तक उनका सामान पहुंचाते नजर आए। एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस रोबोट के अंदर सामान रखते दिखे, जिसे उसने ग्राहक तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इन रोबोट में सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। वीडियो में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद लोग एक रोबोट की मदद से अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इनकी मांग में काफी तेजी आई है और वो ज्यादा रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। इंदौर में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस समय कुल 25 कोरोना मरीज मिले हैं। चेन्नई में सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन की वजह से वहां के ज्यादातर बाजार बंद हैं।
लेकिन जरूरी चीजों के लिए खुले एक बाजार में सामान खरीदने वाले काफी संख्या में पहुंच गए। सब्जियों की कुछ दुकानों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को इंतजार तक करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से जरूरी फासला भी नहीं रखा, वो बेहद पास पास खड़े होकर आम दिनों की तरह ही खरीदारी करते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ही लोग मास्क या कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए नजर आए। कोरोना वायरस के साथ में लोग तो इतना डरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करें, अभी कस्टमर को ये करना ले, हम लोग फिर भी बैठा है, डरने तो सबको तो है। कोरोना वायरस के डर से सब्जियों के अलावा आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों के लिए भी बाजार में भीड़ जुटी। जयपुर के रामगंज इलाके में एक और कोरोना का मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने रामगंज के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है। अब रामगंज इलाके में 1 किलोमीटर के भीतर स्क्रीनिंग होगी। फिलहाल इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को घर के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 43 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 2 भीलवाड़ा और जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर में एक एक कोरोना का मरीज मिला है। 90 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।